मैं कांग्रेस को जोड़ने आया हूँ। जी हाँ, ये बात नए राजस्थान कांग्रेस प्रभारी यानी कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कही है। राजस्थान में इस कार्यकाल के दौरान तीसरी बार बदले प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कहते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में नेताओं में कोई भी विरोध नहीं है। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों में ही कांग्रेस का डीएनए है, इसलिए कोई भी पार्टी को छोड़कर जाने वाला नहीं है। वो कहते हैं कि सचिन पायलट के पिता यानी कि राजेश पायलट और अशोक गहलोत दोनों उनके पिताजी के साथ कांग्रेस में रहे हैं। दोनों का डीएनए और ब्लड कांग्रेसी है। दोनों में से कोई भी नेता ये नहीं कर सकता कि कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान हो और कांग्रेस पार्टी से अलग हो। देखिए, राजस्थान जोड़ने के लिए तो मैं आया हूँ, मैं पहले राजस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। देखिए, एक मैं बात आपको बता दूं कि राजेश पायलट जी और गहलोत साहब दोनों ही मेरे पिताजी के साथ रहे, तो दोनों का डीएनए और जो ब्लड है वो कांग्रेसी है। ये कभी दोनों में से एक भी ऐसा नहीं करेगा कि जो कांग्रेस के अगेंस्ट बात जाए। तो मेरे को एक समझ नहीं आ रही कि मेरे को तो कहीं दिखाई नहीं अभी तक दिया कि वर्कर कहीं बटा हुआ है। तो जब वर्कर जुड़ा हुआ है तो फिर लीडर उनको अलग नहीं कर सकते। लेकिन सियासत में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। 2023 शुरू होने को है और संगठन के फिलहाल किसी भी तरह की शक्ल दिखती नजर नहीं आ रही है। नियुक्तियां ठंडे बस्ते में पड़ी है और दावे हैं जीत के, लेकिन किसके दम पर ये भी पता नहीं। क्योंकि जहां एक तरफ राहुल गांधी गहलोत पायलट को कांग्रेस का असेट बता चुके हैं, तो वहीं जयराम रमेश ने इशारा किया कि भारत जोड़ो यात्रा कोई जादू की छड़ी नहीं है। चर्चाएं हैं कि जितना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का राजनैतिक अभी तक का सफर रहा, उतनी उम्र के युवा सचिन पायलट है जिन्होंने 2018 से अभी तक गहलोत को ही चुनौतियां दी है। तो वहीं मरुधरा के फिजाओं में कड़ाके की ठंड में गर्म चाय की चुस्कियों के साथ उबलती सियासत को लेकर इस बात की भी चर्चाएं हैं कि 2023 का रण होगा किसके दम पर। इधर जानकारी के मुताबिक 23 दिसंबर को 25 सितंबर की बगावत के किरदारों पर भी फैसला लिखा जा सकता है। उम्मीद है कि तारीख पर तारीख शायद इस बार ना हो। तो वहीं दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा का माहौल तय करेगा राजस्थान कांग्रेस का भविष्य, ये भी एक सवाल बना है। क्योंकि सियासी जानकारों का कहना है कि अब तक 17 दिनों तक राजस्थान में गुजर रही भारत जोड़ो यात्रा का माहौल ही राजस्थान में कांग्रेस का सियासी भविष्य भी तय करेगा। ये भी कह सकते हैं कि यात्रा गुजरने के बाद जो फैसला होगा वो ऐतिहासिक भी हो सकता है। राजस्थान तक के लिए अलवर से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।